Hello viewers, this is RK Azad, Prime News TV today. चलो 200 दे दो जी, वो तुरंत बना दिए। तीन दिन पहले मैं असद साहब को फोन किया था, ये फाउंडेशन स्टोन है साहब, ये आप जरूर हाजिर रहना क्योंकि एक अच्छा काम हम आगे ले जा रहे हैं। मिरालम ब्रिज का बारे में जिगर निकाले, तुरंत मैं ऑफिसरों को बुला के बोले मिरालम ब्रिज का बना दो, 363 क्रोस का मंजूरी किए। महबूब नगर MLC का कोर्ट था इलेक्शन के, इलेक्शन कोड है बोले तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से भी हम लोग क्लियरेंस ले लिए। दो दिन में मिरालम चलोगे ने जो STP प्लान कर रहे हैं उसी दिन दो दिन में वो ब्रिज का भी हम लोग फाउंडेशन स्टोन डालने वाले हैं। इसका मतलब उस्मानिया हॉस्पिटल बनाने में जो चंद्रंग जो चंचलगुड़ा में जो जेल है, KG-PG जो एरिया में जो मिडिल क्लास, जो सैदाबाद, संतोष नगर, मलकपेट, जगह जगह में जो लोग हैं जो पढ़ने के लिए KG-PG स्कूल के लिए, असद साहब ने कहा जरूर वो बनाने के लिए मैं कोशिश करता हूँ, वो जेल वहां से शिफ्ट करके जेल भी अच्छा बना के उसको दूसरे जगह में जगह देके वो जेल बनाने का भी काम ले लेते हैं। वहां पर यहाँ के बच्चों को पढ़े लिखने के लिए हम लोग कोशिश करें। आप लोगों को मालूम है आज टिमरिस में बच्चे पढ़ रहे या नहीं तो डॉक्टर, लायर, इंजीनियर, माइनॉरिटी के लोग पढ़ रहे। जो माइनॉरिटी मुस्लिम रिजर्वेशन दिया कांग्रेस पार्टी ने 4%, शब्बीर अली साहब और आजाद साहब ने बहुत कोशिश किए। उस दिन राजशेखर रेड्डी साहब को असद साहब, अकबर साहब असेंबली में बोले तो राजशेखर रेड्डी साहब तुरंत जो रिजर्वेशन देने के लिए कोशिश किया। आज जो माइनॉरिटी रिजर्वेशन 4% मिला है वो कांग्रेस पार्टी ने दिए। इसीलिए मैं एक बात साफ कहना चाहता हूँ, राजनीति अलग है, डेवलपमेंट अलग है। डेवलपमेंट में कोई कमी नहीं है, हैदराबाद सिटी में हर गली में डेवलप करने के लिए हमारा जिम्मेदारी है। मैं खुद खासकर इसीलिए म्युनिसिपल अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री पोर्टफोलियो मेरे कने रखा हुआ। मैं माइनॉरिटी वेलफेयर लेके नागोल से लेके एल बी नगर से लेके ओवेसी हॉस्पिटल, वहां से चंद्रायन गुट्टा से लेकर महिला देवरपल्ली, P7 रोड से लेकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक नया मेट्रो लाइन बनाए, एलबी नगर से हैत नगर तक नया लाइन डाल रहे, और अपना चंद्रायन गुट्टा से जो राजेंद्र नगर 100 एकड़ में हाईकोर्ट जो बना रहे वहां तक हम मेट्रो ले लिए, राय दुर्गम से लेकर फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट तक हम लोग मेट्रो बना रहे, मियापुर से लेके BHL और रामचंद्रापुर तक मेट्रो एक्सटेंशन कर रहा है। इसका मतलब जहां जहां गरीब लोग हैं, नौजवान हैं जो नौकरी करने के लिए, इन लोगों के लिए हम लोग मेट्रो बना रहे हैं। क्योंकि मेट्रो मिडिल क्लास के एक माध्यम है, ये उसमें जाने वाले जुबली बंजर है, इसमें बड़े बड़े जो कार है गाड़ियां हैं वो लोग बहुत कम चढ़ते, इसीलिए हम लोग सोचकर पूरा नया मेट्रो का Phase 2 नया तरीका से बनाए। आजकल प्राइवेटाइज होने के बाद गौलीगुड़ा बस स्टैंड पहले कितना नाम थे, आजकल तो नाम खत्म हो गया। इसीलिए चंद्रायन गुट्टा में जो मेट्रो जंक्शन चंद्रायन गुट्टा में बना है तो कोई भी हो, एयरपोर्ट को जाने वाले, एयरपोर्ट से वापस आने वाले चंद्रायन गुट्टा जंक्शन में
उतर के यहाँ चंद्रयान गुट्टे को हमेशा याद रहना, चंद्रयान गुट्टा के नाम रहने के लिए हम बड़ा मेट्रो जंक्शन यहीं बना रहे। तो इसीलिए कभी भी अगर राजनीति पॉलिटिक्स जब चुनाव है, हमारे हिसाब से हम चुनाव लड़ते, हमारे एक बार चुनाव खत्म होते अपने शहर का ध्यान देने का जरूरी है। इसीलिए आज बहुत साल से जिस दिन डॉक्टर वाईएस राजशेखर रेड्डी जीता तब मेट्रो रेल के शुरुआत किए, मार गोलीगुड़ा से लेकर फलकनामा तक 5.5 किलोमीटर जो काम पेंडिंग था उसी वक्त मंजूर हुए थे, वो पेंडिंग पड़ा हुआ है, इसीलिए वो मैं अभी काम के लिए ले लिए। और पिछले सरकार ने हाईटेक सिटी से लेकर पूरा आउटर रिंग रोड से एयरपोर्ट को ले जाने के लिए कोशिश की है मेट्रो। मैं सोचा भाई जुबली बंजर हिल्स में से कोई भी हमारे परिवार के साथ कोई भी एयरपोर्ट जा रहे बोले तो ड्राइवर भी साथ में नहीं आते, गाड़ी में जाते, गाड़ी वहां छोड़ के फिर बाहर जा रहे, फिर अगले हफ्ते वापस आके फिर गाड़ी लेके वापस आ रहे। मगर जुबली बस स्टैंड से लेकर सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन से लेकर नामपल्ली रेलवे स्टेशन, काचगुड़ा रेलवे स्टेशन, गोलीगुड़ा, फलकनामा, यहां से कोई भी गल्फ कंट्री जा रहे और कहीं जा रहे बोले तो एक जा रहे बोले तो उनका पूरा परिवार 20-25-40-50 लोग उत्साह हो रहे, असेंबली में भी डिस्कशन हो रहे, कभी कभी असेंबली में हम 19-20 कुछ चर्चा भी हो गए, वो वही खत्म मुद्दों पे हम चर्चा करते, कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, ऐसा कोई बात ऐसा होता ही नहीं जो लोग समझते अरे असेंबली में बोलिए फिर बाहर अच्छा दोस्ती। भाई डेवलपमेंट अलग है, राजनीति अलग है, अपोजिशन अलग है, पोजिशन अलग है। अपोजिशन पार्टी कुछ मुद्दे उठाए तो हमें भी जिम्मेदारी याद दिलाए तो हम आगे तरक्की करने के लिए अच्छा है। इसीलिए आज एक अच्छा माहौल बनाए हैदराबाद शहर में जो मेट्रो के फाउंडेशन स्टोन डालने के लिए हमारे ऑफिसर्स और खासकर MIM MLS सब साथ देकर ये अच्छा प्रोग्राम बनाए। आगे भी हम लोग और कुछ फाउंडेशन स्टोन डालना है, डेवलपमेंट करने के लिए हम लोग जो कोशिश कर रहे हैं आपके साथ जरूरी है, सब मिलके हैदराबाद शहर को जो ओरिजिनल हैदराबाद है ये शहर को आगे ले जाने के लिए आपके मदद जरूरी है। हमारे तरफ से जितना मदद देना है, पैसे देना है, डेवलपमेंट करना है, हम वो जिम्मेदारी से काम करेंगे। मैं आप लोगों को इतना ही बोलते मैं आपको शुक्रिया अदा करते हुए मेरा भाषण यहाँ खत्म कर रहा हूँ। धन्यवाद मित्रों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शय नशीन पर तशरीफ फरमा वज़ीरे आला तेलंगाना नव मुंतखब शुदा रुकने पार्लियामान जनाब यादव साहब, मेरे तमाम मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के अराकीन असम्बली व रुकने कानून साज काउंसिल और तमाम दीगर सियासी पार्टियों के जिम्मेदारान, मैं सबसे पहले अपनी जानिब से और हैदराबाद की पार्लियामेंट की अवाम की जानिब से जनाब रेवंत रेड्डी साहब का, वज़ीर आला का, हैदराबाद के इस कल्ब में, हैदराबाद के इस दिल में हम आपका खैर मुकदम करते हैं, आपका वेलकम करते हैं। और मैं ये बात, हमारी पार्टी ने ये बात ऐवान असम्बली में कही है, मैं दोबारा इसको दोहराना चाहता हूँ कि तेलंगाना की अवाम ने एक फैसला दिया है और तेलंगाना की अवाम ने जनाब रेवंत रेड्डी साहब और उनकी पार्टी को इख्तदार दिया है, हम उसका एहतराम करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि वो अच्छी तरीके से जो आवाम को वादे किए उसको पूरा करेंगे। मुझे यकीन है कि उन वादों को पूरा करेंगे। आवाम ने एक फैसला दिया है, आवाम ने एक फैसला दिया है, हम उस फैसले का एहतराम करते हैं। और रेवंत रेड्डी साहब, आप पूरे आराम से 5 साल काम करिए तेलंगाना की डेवलपमेंट के लिए, तेलंगाना के प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी के लिए MIM पार्टी आपके साथ खड़े रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।